गूगल फोटोज कंपनी के सबसे पॉपुलर एप्स में से एक है, जिसे एंड्रॉइड फोन्स के साथ साथ आईफोन यूजर्स भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप स्टोरेज की चिंता किए बिना अपने फोटोज और वीडियोस को सुरक्षित तरीके से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब गूगल का फोटोज ऐप जल्द ही यूजर्स के लिए पेड हो सकता है। इस ऐप पर यूजर्स को अपने फोटो और वीडियो क्लाउड स्टोरेज पर सेव करने का ऑप्शन मिलता है, साथ ही फोटो एडिटिंग के लिए भी कई ऑप्शंस मिलते हैं। अब तक कंपनी इन सभी सर्विसेज का कोई चार्ज नहीं करती है, हालांकि कुछ यूजर्स ने ऐप के अंदर पेवॉल एक्सटेंशन की रिपोर्ट की है। XDA डेवलपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल फोटो एडिटिंग ऐप स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए एक पेवॉल को इंट्रोड्यूस करेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो यूजर्स फोटो के साथ कलर पॉप फिल्टर का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सब्सक्रिप्शन फीस देनी होगी। ये सब्सक्रिप्शन फीस गूगल वन के माध्यम से लाया जाएगा। गूगल वन सब्सक्रिप्शन मंथली बेसिस पर ऑफर किया जा सकता है। UK के एक यूजर ने बताया है कि गूगल वन सब्सक्रिप्शन फीस फोटो में मौजूद फिल्टर का इस्तेमाल करने से पहले ली गई थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि फोटो ऐप वर्जन 5.18 में यूजर्स को पेमेंट का ऑप्शन दिखने लगेगा। भारतीय यूजर्स के लिए गूगल वन सर्विस के चार्ज 100 GB स्टोरेज के लिए 130 रुपए महीना और 1300 रुपए साल हो सकते हैं। वहीं 200 GB स्टोरेज के लिए 210 रुपए महीना और 2100 रुपए पूरे साल के लिए हो सकती है, जबकि 2 TB स्टोरेज के लिए 650 रुपए महीना और 6500 रुपए पूरे साल के लिए हो सकते हैं। गूगल ने इस बात को लेकर दिए बयान में कहा है कि अगर यूजर्स फोटोज पर डेप्थ इन्फॉर्मेशन जैसे पोर्ट्रेट मोड वाले फीचर्स को अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए उन्हें गूगल वन की मेंबरशिप लेनी होगी। इससे पहले ये फीचर सभी यूजर्स के लिए पूरी तरह से फ्री था, लेकिन अब कुछ फीचर्स के लिए यूजर्स को पैसे देने होंगे।